ने सुबह सुबह सना और अंकिता में लड़ाई लगा दी है, पर अंकिता भी चुप नहीं बैठी। अंकिता ने भी जो है ईशा को बहुत खरी खोटी सुनाई वहीं पे बैठे बैठे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, नॉमिनेशन के बाद जो है काफ़ी सारी घमासान लड़ाई जो है सना और अंकिता में हुई, जहाँ पर एक दूसरे को जो है इन लोगों ने काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। पर वहाँ पर ईशा आखिरकार इतने मज़े क्यों ले रही है, ईशा को ऐसा क्या हो गया, ये तो जानना चाहते होंगे। समर्थ ने अंकिता लोखंडे के बारे में बहुत सारी चीजें ईशा को बताई हैं कि अंकिता जो है तेरे पीठ पीछे ऐसी ऐसी चीजें करती है, तेरी सगी नहीं है, ये है वो है। इस तरीके से जो है समर्थ ने सब चीजें बताई, जिसके कारण समर्थ की बात सुन के ईशा जो है अब अंकिता के ऊपर ग्रजेस रख के बैठ गई है। पर मुंह पे तो बहुत अच्छी बनती है, पर पीठ पीछे जो है बहुत ही ज्यादा कड़वी चीजें बोल रही है अंकिता के बारे में। जैसे कि आप सुबह जहां पर ईशा ने सोचा नहीं था कि सना जो है उठ कि ये सब चीज़ें बवाल कर देगी और नाम ले देगी, ईशा ने बोला कि हमें वार्निंग मिली है कि सब लोग सो रहे हैं, देखना आज सब लोग सोते रहते हैं, ये अंकिता सबसे ज़्यादा सोती है, गार्डन में सोती है इतनी ज़्यादा। ईशा ने जो है सना को बता दिया, सना तो उठ गई कि ओए मुनावर, तेरे बाजू में जो बैठी है ना ये सबसे ज़्यादा सोती है, मुझे अभी ईशा ने बताया। ईशा के ऊपर चिढ़ गई अंकिता। अंकिता ने बोला कि ईशा ऐसे सब चीज़ें कुछ मत बोल, मैं वहाँ पर लेटी हुई थी, मैं सोई नहीं हुई थी। इनके बीच में हो गई भाई लड़ाई, जहां पर अंकिता भी बहुत हंस हंस के जो है सना को हैंडल कर रही है, पर सना बहुत ज्यादा हाइपर हुई है क्योंकि सना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका है अंकिता के ऊपर। ये क्या हुआ है, ये जब हम नॉमिनेशन का एपिसोड देखेंगे ना तब पता चलेगा कि सना का ये जो रिएक्शन बार बार आ रहा है, जो कि अंकिता के पीछे पड़ चुकी है, ये सही है या नॉमिनेशन के बाद दिखना चाहती है इसीलिए सना अंकिता लोखंडे को जो है टारगेट कर रही है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।